सो हे गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर अपन रिव्यू करने वाले हैं बायोशॉक इन्फिनिट को। तो अगर आप इस गेम को खरीदने का प्लान बना रहे हो एंड इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानना चाहते हो खरीदने से पहले, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो हे गाइस, दिस इज सैम वॉकर एंड यू आर वॉचिंग बिग बैन जी। तो यार, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे इस गेम के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड स्टोरी लाइन के बारे में। तो यार, बायोशॉक इन्फिनिट एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है जो कि डेवलप किया गया था इरेशनल गेम्स द्वारा एंड इसको पब्लिश किया था 2K गेम्स ने। एंड यार, जो इस गेम की रिलीज डेट है वो है 26 मार्च 2013 एंड ये ऑलमोस्ट ऑल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उपलब्ध है, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, प्लेस्टेशन 3, एक्सबॉक्स 360, OS X, लीनक्स, निंटेंडो स्विच एंड एटसेट्रा। एंड यार, अगर बात करें नेक्स्ट जनरेशन कॉन्सोल्स की, तो अभी तक तो ये नेक्स्ट जनरेशन कॉन्सोल पे आया नहीं, बट आने वाले टाइम में क्या पता 2K गेम्स प्लान कर ले कुछ ऐसा, तो आने वाले टाइम में अपने को नेक्स्ट जनरेशन कॉन्सोल्स के ऊपर भी ये गेम देखने को मिल सकता है। तो यार, ये तो हो गई थोड़ी बहुत इसकी इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं अपन इस गेम की स्टोरी की समरी के बारे में। तो यार, अगर अपन बात करें इसकी स्टोरी लाइन के बारे में, तो यार, जो बायोशॉक इन्फिनिट है ना, वो सेट है 1912 के एक कोलंबिया शहर के अंदर जो कि एयरबोर्न है। एंड एयरबोर्न से मेरा मतलब है कि ये जो शहर है ना कोलंबिया 1912 वाला, ये हवा के अंदर उड़ रहा है, मतलब आकाश के अंदर उड़ रहा है, ये धरती के ऊपर नहीं है ये शहर। तो हाँ, जो बायोशॉक इन्फिनिट है ना, वो 1912 के एयरबोर्न कोलंबिया सिटी के अंदर सेट है। एंड यार, जो ये गेम है ना, इसकी स्टोरी लाइन फॉलो करती है पिंकरटॉन के एक एजेंट बुकर ड्विट को। तो यार, जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है ना बुकर ड्विट, उसको कोलंबिया सिटी के अंदर भेजा गया है एक लड़की को ढूंढने, एंड उस लड़की का नाम है एलिजाबेथ। तो यार, जो अपना बुकर है ना, वो एलिजाबेथ को तो बचा लेता है, लेकिन वो एक वार के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं दोनों के दोनों। तो हाँ यार, यही इस गेम की स्टोरी की समरी थी जो कि मैंने आपको जितना सिंपल हो सके उसमें समझाने की कोशिश की है, क्योंकि यार, जितना ज़्यादा मैं इसको ट्विस्ट दूंगा वीडियो उतनी ही ज़्यादा बड़ी होती जाएगी, इसलिए मैं स्टोरीज के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, बस आपको बेसिक बता देता हूँ कि कुछ इस टाइप की स्टोरी है। बाकी इस गेम से रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके देख लेना। तो यार, ये तो हो गई स्टोरी एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद, अब बात करते हैं गेम प्ले एंड फीचर्स के बारे में। तो यार, अगर अपन बात करें गेम प्ले एंड फीचर्स के बारे में, तो यार, जो बायोशॉक इन्फिनिट है ना, वो एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है जो कि सेट है कोलंबिया नाम की एक एयरबोर्न सिटी के अंदर। एंड यार, इस एयरबोर्न सिटी को अपन एक्सप्लोर तो कर सकते हैं, लेकिन ये ओपन वर्ल्ड नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो गेम प्ले होगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा लीनियर है, बट अगर आप इधर उधर थोड़ा बहुत घूमना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। तो मेरी नज़र में एक समाई ओपन वर्ल्ड गेम है ये। इसी के साथ साथ इस गेम के अंदर अपने को गन गेम प्ले देखने को मिलेगा। गन गेम प्ले से मेरा मतलब है कि इसके अंदर अपने को बहुत सारे डिफरेंट वेपन्स देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग पिस्टल्स, शॉटगन्स, असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल एंड मशीन गन्स वगैरह, ये सब कुछ अपने को इस गेम के अंदर देखने को मिलेगी। तो हाँ, एक ये फर्स्ट पर्सन शूटर है जिसमें आप गन्स का मजा ले सकते हो। इसी के साथ साथ यार, इसमें अपने को सुपर पावर्स भी देखने को मिलती है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक मार सकते हैं अपने एनिमीज को। एंड यार, इसमें एक सुपर पावर तो ऐसे भी है जिससे अपन एनिमी को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि वो एनिमी है ना, वो अपने लिए लड़ेगा अपने दोस्तों से। तो हाँ, कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर अपने को बहुत सारी सुपर पावर्स भी देखने को मिलेंगी, जिनको मैं सबको यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि यार, आपको पता है कि मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता एंड आप भी बोर हो जाओगे देखते देखते। इसलिए हाँ, आप बाकी गेम खेलोगे तब आपको पता चल जाएगी। बाकी यार, इन वेपन्स वगैरह एंड जो ये सुपर पावर्स वगैरह है, इनको अपग्रेड करने के लिए आपको वेंडिंग मशीन्स पे जाना पड़ेगा, जो कि आपको सिटी के अंदर कहीं भी देखने को मिल जाएगी। बाकी यार, इस गेम में जो मेरी फेवरेट चीज़ है ना, वो है इस गेम का रेल सिस्टम। मतलब यार, इस गेम के अंदर कुछ ऐसा है ना जिसके अंदर अपन रेल टाइप का बना हुआ है, मतलब जैसे ट्रेन ट्रैक्स होते हैं ना, वैसा कुछ बना हुआ है जिसके ऊपर अपन लटक के ऐसे ट्रेवल कर सकते हो बहुत ही फास्ट, जो कि यार बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप इस गेम को खेलोगे ना, तो आपको सबसे ज़्यादा वही चीज़ पसंद आएगी इस गेम के बारे में। तो हाँ यार, ये हो गई इस गेम के कुछ फीचर्स एंड गेम प्ले के बारे में बातें। अब बात करते हैं इस गेम के विजुअल्स के बारे में। तो यार, अगर अपन विजुअल्स के बारे में बात करें, तो भाई ये गेम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है एक 2013 गेम के लिए। इस गेम के यार जो ग्राफिक्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट एंड वाइब्रेंट है, जो कि मतलब आपका मूड बहुत ही ज़्यादा स्विंग कर देगी एक तरीके से। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इस गेम के ग्राफिक्स है ना यार, उनको देख के आपका इस गेम को खेलने का और भी ज़्यादा मन करेगा, क्योंकि यार जो ये वर्ल्ड डिजाइन किया है ना जिस किसी ने भी, यार बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब जो ये कोलंबिया सिटी, आप जब इसको एक्सप्लोर करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार जिस किसी ने भी इस वर्ल्ड को डिजाइन किया है ना यार, वो सच में काबिलियत तारीफ है। मतलब यार, मैं जब खेल रहा था ना, बस मैं यही सोच रहा था कि यार जिस किसी ने भी इस सिटी को बनाया होगा ना यार, वो कितना ज्यादा टैलेंटेड होगा। मतलब यार, ये सिटी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। इसी के साथ साथ जो इस गेम के विजुअल इफेक्ट्स है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा शानदार है यार। मतलब
जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह ये होते हैं ना, एंड और भी बहुत सारे सुपर पावर्स हैं। इन सब के जो विजुअल इफेक्ट्स हैं ना, जो मतलब एक तरीके से अपन बोल सकते हैं जो भी स्पेशल इफेक्ट्स हैं ना इस गेम के अंदर, वो बहुत ही शानदार है। तो यार ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो गेम था ना वो अपने टाइम से बहुत ही ज़्यादा आगे था इन टर्म्स ऑफ विजुअल्स। बाकी यार इस गेम को चलाने के लिए आपको एक बजट पीसी तो चाहिए ही होगा। कहने का मतलब ये है कि बिना ग्राफिक कार्ड के तो मुझे पता नहीं, इंटरनेट पर आप देख लेना, लेकिन हाँ मेरे को जहाँ तक लगता है ये लो सेटिंग में तो चली जाएगा बिना ग्राफिक कार्ड के भी। बाकी यार मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस गेम को आप जरूर से खेलना। वैसे इस फ्रेंचाइजी के अंदर 3 गेम आ चुके हैं अभी तक, बायोशॉक 1, बायोशॉक 2 एंड बायोशॉक इन्फिनेट। एंड यार एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि जो बायोशॉक इन्फिनेट है ना वो बायोशॉक 1 एंड 2 से कनेक्ट नहीं है। तो अगर आप इसको सेपरेट खेलना चाहते हो या मतलब बायोशॉक 1 एंड 2 को नहीं खेले एंड इसको डायरेक्टली खेलना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि यार जो इसकी स्टोरी है ना वो इन दोनों गेम से कनेक्ट नहीं होती। एंड इनको कनेक्ट करने के लिए एक डीएलसी का मिशन है, वो आपको खेलना पड़ता है गेम के एंड में। एंड इसी मिशन के बाद ये तीनों गेम कनेक्ट हो जाते हैं। खैर मेरे को तो इतना ज़्यादा उसका पॉइंट लगा नहीं, अगर सेपरेट गेम बनाया तो इसको सेपरेट ही रखते हैं, खैर अपने को क्या मतलब है। बाकी मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई इस गेम को स्टीम से खरीद लेना, आपको ये पूरी फ्रेंचाइजी मिल जाएगी, गेम की जरूरत ही नहीं है, आपको अकेला गेम खरीदने की जरूरत नहीं है, आप पूरी फ्रेंचाइजी खरीद लेना स्टीम के ऊपर से। आपको 300 या 400 रुपये के अंदर ये पूरी फ्रेंचाइजी मिल जाएगी। मैंने तो रिसेंटली खरीदी थी 1.5 साल पहले एंड अब तक पूरे गेम्स कंप्लीट कर दिए। तो हाँ एक बार आप भी इस गेम को प्लीज़ ट्राई करना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। मैं तो बोलूँगा कि तीनों गेम को सीक्वेंस में खेलना, तभी मज़ा आएगा। ऐसा ही मैंने किया है, मैं लास्ट ईयर से इन गेम्स को खेल रहा हूँ एंड मैंने फाइनली जो इन्फिनेट है ना उसको फिनिश कर दिया है। तो अब मैं इन गेम्स के रिव्यू बना रहा हूँ। तो यार मैं फर्स्ट एंड सेकेंड का एक साथ रिव्यू बनाऊँगा, देखता हूँ कब बना पाता हूँ। बाकी जो इन्फिनेट है ना उसका रिव्यू तो आपने देख ही लिया है। तो यार प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। बाकी यार अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।